92 में मैंने लिखी एक किताब थी आफ्टर एमनेजिया नाम से, स्मृति ब्रोच के बाद, उसको 1993 में साहित्य अकेडमी ने अवार्ड दिया था, वो मैंने वापस किया है। और उसका ये कारण है कि पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे अन्य साहित्यिकों ने उनको मिले अवार्ड्स वापस किए, उनको सपोर्ट देने के हेतु से मैंने ये अवार्ड वापस किया है। उन्होंने जो कारण दिया है उसमें बढ़ती असहिष्णुता और अभिव्यक्ति के लिए कम होने वाली जगह, ये कारण थे। मैं उनको सपोर्ट इसलिए दे रहा हूँ कि मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि हमारे देश में असहिष्णुता बढ़ रही है हर प्रकार से, और अभिव्यक्ति के लिए जो जगह है वो कम हो रही है। मैं ये मानता हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये हर नागरिक को दिया अधिकार है, और ख़ास करके जो लेखक होते हैं, चिंतक होते हैं, उनके लिए नए प्रकार से कुछ अभिव्यक्त करना ये बड़ा ज़रूरी होता है। अगर उसके ऊपर कोई बहुत ही असहिष्णुता से बंधन लाए जाए तो वो हमारे देश के लिए ठीक नहीं, संस्कृति के लिए ठीक नहीं और लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं, ये मान के मैंने साहित्य अकादमी को, उन्होंने मुझे जो अवार्ड दिया था वो वापस दिया है। ऐसा क्या होता और हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया, ऐसा क्या इंसिडेंस हुआ कि आपको ऐसा लगा? मैं 2 महीने पहले धारवाड़ में गया था, वहाँ वीके गोकाक मेमोरियल लेक्चर देना था। उसी धारवाड़ में डॉक्टर एम कलबुर्गी नाम के एक स्कॉलर रहते थे, मैं गया था। उसके बाद 3 हफ्ते में उनकी वहाँ हत्या हुई। वो हत्या हुई उसका कारण था कि उनके विचार कुछ लोगों को पसंद नहीं थे, बहुत स्पष्टता से लिखते थे, बोलते थे। किसी विचार को लेके अगर किसी स्कॉलर की हत्या होती है तो वो ठीक नहीं है। कलबुर्गी साहब को साहित्य अकादमी ने एक अवार्ड दिया था और साहित्य अकादमी ने इस हत्या के बारे में एक शब्द से भी अपना निषेध या दुख व्यक्त नहीं किया, तो इससे हमें बड़ा दुख हुआ कि साहित्य अकादमी संस्था सर्जकों की, लेखकों की है, और अगर उनकी हत्या विचार को लेकर होती है, कोई वैयक्तिक उनका झगड़ा हो बात अलग है, वो भी ठीक नहीं है, लेकिन विचार को लेकर होती है और साहित्य अकादमी चुप रहे तो उसका अर्थ और यही होता है कि साहित्य अकादमी भी किसी डर में जी रही है। बहुत सारे साहित्यकों ने देश के दक्षिण से लेकर उत्तर तक, कुछ उर्दू में लिख रहे, कुछ अंग्रेज़ी में लिख रहे, कुछ तमिल में लिख रहे, कुछ कन्नड़ में लिख रहे, कुछ मराठी में लिख रहे, उन्होंने अपने अपने अवार्ड्स साहित्य अकादमी को वापस दिए, जिससे साहित्य अकादमी को ऐसा लगे कि हाँ, ये अब समय आ गया है जब हम खड़े रहे और कहे कि इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी ये मूलभूत अधिकार है।